विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आप का मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है YouTube ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने नौ की प्रार्थना की, YouTube चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना में परमात्मा से जीव कल्याण के लिए ऐसे शब्द कहें जिससे भाव जगे, तरंग उठे और वह तरंग चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बना दे, नकारात्मक तरंग समाप्त हो जाए। आपके शब्दों में जो तरंग का जादू है, वाइब्रेशन है, जो आकाश तत्व में मिल जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है, वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तरंगें चारों तरफ फैलकर सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दे, सबको समृद्ध करें, सबको अपनी याद दिलाए, सभी में स्वबोध जगाए, ऐसी शक्ति आपके शब्दों में है। आपके सकारात्मक विचारों में है। उन तरंगों को वाइब्रेट होने दें, हृदय से करें, उसके साथ भाव भी जोड़ें। ये भाव आपको ग्रहणशील बनाते हैं, अंतर मन तक विश्वास को पहुंचाते हैं कि ये संभव है, सभी स्वस्थ हो सकते हैं, सभी भाईचारे के साथ रह सकते हैं, सभी इस अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं कि कम बनाया गया है, छीन कर ही प्राप्त होता है। ऐसा अज्ञान आपकी प्रार्थनाओं से समाप्त हो, इस समझ के साथ सभी प्रार्थना करें।
हे परमात्मा, आपने सब भरपूर बनाया है। आपके दिव्य योजना में सबके लिए आनंद है, प्रेम है, समृद्धि है, पैसा है, स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गई है। यह ज्ञान सब में फैल जाए, सभी दिल से दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मदद करें, सही निमित्त बने। आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको दो ताकि विश्व से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, सभी भाईचारे के साथ मिलजुल कर स्वर्ग जैसा जीवन जिएं, एक दूसरे के विकास में खुश हो जाएं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें, केवल अपना स्वास्थ्य नहीं सबका स्वास्थ्य उनको प्यारा लगे, ऐसा धरती पर स्वर्ग बन सकता है। हे परमात्मा, आपका ऐसा शुभ्र प्रकाश हर जीव पर बरसाओ, वाइट लाइट सब पर बरसे, ताकि हर जीव से दुख दूर हो जाए, नकारात्मक फीलिंग समाप्त हो जाए। आप यही चाहते हो, आप सदा से ये संदेश देते रहे हो, हम सब इस संदेश के लिए ग्रहणशील बने, ऐसे हम सब पर कृपा करो। हे परमात्मा, हर इंसान का अंतर्मन केवल सकारात्मक चीज़ों के लिए ग्रहणशील बने, नकारात्मकता को कोई जगह नहीं है, वह केवल अज्ञान का परिणाम है। यह अज्ञान मिट जाए, सभी अंतर्मन तक कन्विंस हो जाए कि सबके मंगल में ही हमारा मंगल है, सभी के स्वास्थ्य मुक्ति में हमारी मुक्ति है, हमारी यह याचना पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में आप इस प्रार्थना को दोहराते रहें जो समय इस वक्त प्रार्थना के लिए मिला है, वह ऐसे उपयोग में लाएं ताकि सबका कल्याण हो। अपने शब्दों की तरंग को पूरे विश्व में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें सकारात्मक तरंगों को। विजुअलाइज करें शुभ्र प्रकाश को जो पृथ्वी पर उतर रहा है, हर जीव पर बरस रहा है, सभी गीत गा रहे हैं जैसे पक्षी अपनी आवाज में चहचहाते हैं। हर मनुष्य प्रेम के गीत गा रहा है, सबको मदद कर रहा है, ऐसा दृश्य प्रकट हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में तपर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का।
लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार करें, इस भाव से तपर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें, एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। जब भी दुख आ रहा है, संकेत मिल गया, दुख ने तो आके आपकी मदद की, ये पता ही नहीं होता। दुख संकेत है कि तुम सेंटर से हिल गए हो, सेंटर से हिल गए हो, तेजस्थान से हिल गए हो। दुख ने आकर बताया, आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, कार हो, स्कूटर हो, टू व्हीलर, तो जब पेट्रोल खत्म होने लगता है तो पॉइंटर आता है रेड जोन में, नीचे आता है, तो आपको गुस्सा आता है क्या देखकर? क्यों नहीं गुस्सा था? आप कहते अच्छा हुआ मालूम पड़ा, तो अभी तुरंत जो पेट्रोल पंप आएगा उधर भरवा देंगे। तो दुख क्या है? वो पॉइंटर है, ये रेड में आ गया, चलो तुरंत चेतना को उठाओ, तुरंत श्रवण करो। पहला पेट्रोल पंप आते ही पहला श्रवण, अभी नेक्स्ट कब श्रवण कर सकते हैं, क्यों? ये पेट्रोल भरवाने वाला काम है। तो ये तो खूबसूरत है, मतलब दुख की व्यवस्था ईश्वर ने हर शरीर में की है, तो ये ऑटो सिस्टम है। सिर्फ दुख शब्द देखकर हम फंस गए उसके अंदर, उसको दुख कहना ही नहीं चाहिए था, उसको कहना चाहिए था ईश्वर की पुकार। ये दुख नहीं है, ये ईश्वर की पुकार, ईश्वर बुला रहा है कि तुम दूर हो गए हो, तेजस्थान से दूर हो गए हो, कृपया वापस आओ। फीडबैक है, दुख क्या है? फीडबैक। आपको बताया जा रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ है, जिस गाड़ी में ये मशीन नहीं चल रही हो, पॉइंटर नहीं चल रहा हो, तो आप बोलेंगे ये गाड़ी अच्छी नहीं है। जिस शरीर में दुख ही नहीं आता हो, तो आप कहेंगे कि अरे इसका मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा पर्सन तेजस्थान से हट गया? तो दुख इंडिकेटर है, थोड़ा भी हिलता है तेजस्थान से दूर फीलिंग में आता है, सबको फीलिंग आती है अंदर से। तो ये तो कितना अच्छा सिस्टम है, मगर कहाँ इसकी कोई तारीफ करता है? आपको दुख आया तो आप तारीफ करते हो क्या? वाह ईश्वर क्या सिस्टम है तुम्हारा, ऐसा कोई तारीफ करता नहीं। पर इंसान को तारीफ करनी, जितना समझोगे उतनी तारीफ निकलेगी, सराहना निकलेगी। भजन क्या होते, लोग भजन गाते ना, आप देखते रहते कीर्तनों में वगैरह करते रहते भजन, तो जब असली बात खो जाती है तो ऊपर ऊपर के कीर्तन होते रहते, मगर जो अंदर से सराहना करना चाहते हैं वो ये बातों को समझ चुके। संत तुकाराम से अभंग निकल रहे हैं, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर पुस्तकें निकल रही, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब जान गए। वो सराहना का तरीका है, अलग अलग मनोशरीर यंत्रों से जो बातें निकली, संत कबीर से दोहे निकले या मीरा से नृत्य हुआ, ये उनके मनोशरीर यंत्र से सराहना करने का तरीका। आप सराहना कैसे करते हो? कोई बोलता है भजन मुझसे नहीं होता है, तो उस शरीर से नहीं निकलता है, उस शरीर का वो तरीका नहीं है। हर एक का अपना अपना तरीका है, हर एक का तरीका खूबसूरत है। कोई सेवाएं करता है चुपचाप, मौन में चुपचाप सेवा करते रहता है,
क्योंकि वो ईश्वर की ही सेवा कर रहा है, अंदर क्लियर है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर, वर्तमान मन और होने में होना, योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट, होने जा रहा है शनिवार 25 मार्च 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 26 मार्च 2023 दोपहर 1 से 4:30। तो इस ध्यान शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें